साल 2016-17 के लिए प्रोविडेंट फंड पर ब्याज दर 8.65% कम। बीते साल 8.8% की ब्याज में 0.15% की कमी की गई। पिछले साल ईपीएफओ को हुआ था 300 से ज्यादा करोड़ रुपए का घाटा। 4 करोड़ से जो कर्मचारी हैं उनका पीएफ खाता है। गांव में हर किसी को 100 MB इंटरनेट डाटा फ्री देने की सिफारिश। टीआरआई ने सरकार से की है ये सिफारिश। 600 करोड़ का आ सकता है खर्च। आधार के जरिए लोग कर रहे हैं अपने मोबाइल से लेन देन। कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए लेन देन के खर्चों में की जाए कमी। ट्राई ने की वकालत। कहा ई वॉलेट्स के बीच चुनने की सुविधा हर ग्राहक को मिलनी चाहिए। कॉल ड्रॉप पर दूर संचार उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया जानने के लिए सरकार टोल फ्री नंबर 1955 शुरू करने की बना रही है योजना। टेलीकॉम कंपनियों को कराना होगा इस नंबर का प्रावधान। MTL को इसे शॉर्ट कोड की व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया गया है। और भारत में FDI के मोर्चे पर मॉरिशस ने मारी बाजी। जनवरी से सितंबर के दौरान FDI प्रवाह में 21% की बढ़ोतरी। 2017 में FDI प्रवाह में गति बनी रहने की उम्मीद। वहीं सर्वाधिक FDI कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और दूर संचार में आकर्षित हुआ है।